नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से 11:15 तक पहली पाली की परीक्षा होगी और आज पहले दिन 10वीं का हिंदी का पेपर है। 58 लाख से अधिक परीक्षार्थी अपना एग्जाम देंगे। नकल पर नकेल कसने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 18 फरवरी से 6 मार्च तक परीक्षाएं चलेंगी। प्रदेश भर में 7,859 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 1,90,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपके पास बता रहे हैं। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की पहली पाली की परीक्षा सुबह 8 बजे से दोपहर 11:15 तक चलेगी। पहली पाली में हिंदी का पेपर है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि नकल विहीन परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जा सके। ये भी आपको बता दें कि करीब 7,859 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,90,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों पर करीब 58 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, 8 बजे पहला पेपर शुरू हो चुका है, क्या कुछ व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं? अवनीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अवनीश से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बता दें आपको कि आज 10वीं का हिंदी का पेपर है। सबसे पहले सुबह 8 बजे से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जहां पर 58 लाख परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। नकल पर नकेल कसने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और 6 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी, जिसमें प्रदेश भर में 7,859 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1,90,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। और हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। अवनीश, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बता देंगे करीब 58 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सुबह 8 से 11:15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। 10वीं का आज हिंदी का पेपर है। सुबह 8 बजे से पेपर शुरू हो गया है और 11 बजे तक पेपर चलेगा। इस परीक्षा में करीब 58 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। नकल पर लगाम लगाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और इसके लिए करीब 1,90,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रदेश भर में करीब 7,859 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परीक्षाएं नकल विहीन हो, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 58 लाख के करीब परीक्षार्थी इस परीक्षा को देंगे। महीनों से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों की मेहनत आज उत्तर पुस्तिकाओं में दिखाई देगी। हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। अवनीश, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि नकल विहीन परीक्षा पहला लक्ष्य होता है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई, उसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहले ही तय कर दिया था कि नकल विहीन परीक्षा होगी, शांतिपूर्वक परीक्षा होगी, किसी प्रकार के इसमें नकल नहीं हो सकता है। उसको लेकर एक व्यापक तैयारियां की गई है और जितने भी परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सभी जितने भी कक्ष में परीक्षाएं हो रही है उनकी निगरानी हो पाए। वही ऑब्जर्वर भी हर सेंटर पर तैनात किया गया। माना जा रहा है कि करीब 56 लाख परीक्षार्थी इस हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा दे रहे हैं। दो पालियों में ये परीक्षा हो रही है।
तो परीक्षा को लेकर जितने भी जिले अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि जिन जिन जनपदों में परीक्षा हो रही है वहां पे व्यापक इंतजाम किए जाए, पूरी तरह माइक्रो ब्यूरो की तैनाती हो और जितने भी परीक्षा केंद्र है वहां पे पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हो ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो पाए, किसी प्रकार का नकल न हो पाए उसको तय किया जाए। तो योगी सरकार ने पहले ही अपनी मनसा साफ कर दी थी कि नकल विहीन परीक्षा होगी, इसमें जितने परीक्षार्थी होंगे वो शांतिपूर्वक परीक्षा देंगे और उसके लिए उन्होंने शुभकामना भी दी। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने उनसे सामंजस्य बना रखे और किसी प्रकार का तनाव न लेने की अपील भी की है। तो कुल मिलाकर परीक्षा शुरू हो चुका है, परीक्षा के लिए जितनी भी तैयारियां थी वो तद होती दिखाई दे रही है और उससे अभिभावक भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है इसमें और जितने भी प्रवेश पत्र बटे हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की बात कोई सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि ये मार्च के पहले सप्ताह तक यह परीक्षा चलेगी और यूपी बोर्ड की परीक्षा सफल कराने के लिए पूरा प्रशासन अमला लगा हुआ है। अब देखना होगा कि कितना असर करता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। लेकिन अवनीश हम आपके साथ बने रहेंगे, अगली बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। और बड़ी खबर बता दें, योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। योगी सरकार का यह चौथा बजट होगा। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में यह बजट पेश किया जाएगा। 5 से 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट होने का अनुमान है। युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास फोकस रहेगा। पूर्वांचल बुंदेलखंड को खास पैकेज मिल सकता है इस बजट में। इसके साथ ही महिला कल्याण और सुरक्षा पर भी जोर रहेगा। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में यह बजट पेश किया जाएगा। 5 से 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट होने का यह अनुमान है। योगी सरकार का यह चौथा बजट होगा जो कि दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास ध्यान रहेगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी खास पैकेज मिल सकता है और इसके साथ महिला कल्याण और सुरक्षा पर भी फोकस रहेगा। और हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ तैयारियां हैं बजट को लेकर, क्योंकि बजट 12:30 बजे पेश होगा और काफी कुछ उम्मीदें हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर किसी को उम्मीदें हैं। बता दें आपको, दोपहर 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बजट में होगा, हर किसी पर खास फोकस किया जाएगा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर किसी को साधने की कोशिश की जाएगी इस बजट के जरिए। खास तौर पर महिला सुरक्षा और महिला कल्याण पर भी फोकस रहेगा। इसके साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर भी विशेष पैकेज रहेगा इस बजट में। योगी सरकार आज उम्मीदों का पिटारा खोलेगी जनता के लिए। यूपी का बजट आज पेश होगा विधानसभा में। यह बजट पेश किया जाएगा दोपहर 12:30 बजे। योगी सरकार का यह चौथा बजट होगा, दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 से 5.25 लाख करोड़ रुपए का यह बजट होने का अनुमान है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास फोकस रहेगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड को इसमें खास पैकेज मिल सकता है। महिला कल्याण और सुरक्षा पर भी फोकस होगा। योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। ये चौथा बजट होगा योगी सरकार का। इसमें युवाओं को, महिलाओं को और इसके साथ ही किसानों पर भी खास फोकस रह सकता है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा इस बजट में। इसके साथ ही आपको बता दें, महिला सुरक्षा और कल्याण पर भी विशेष फोकस रहेगा इस बजट में। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में यह बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही 5 से 5.25 लाख करोड़ होने का यह बजट अनुमान है। और हमारे आज विधानसभा में योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है और 12:20 पे ये बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे और माना जा रहा है कि इस बजट का आकार 5.12 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है और इस बजट में युवाओं को पढ़ाई के अवसर और रोजगार पर फोकस करने के साथ ही किसान और
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी बजट आ सकता है। बेटियों के प्रोत्साहन और अयोध्या मथुरा वाराणसी के विकास और धार्मिक सांस्कृतिक एजेंडे को पूरा महत्व मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तय कर दिया था कि युवाओं को पढ़ाई के अवसर और उनके रोजगार पर फोकस में रखते हुए ये बजट लाया जाएगा। और वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी तय किया था कि बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट में काफी कुछ उनके लिए आ सकता है। तो ये संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे और वही चीज देखने को मिलेगा जब आज बजट 12:20 पर खोला जाएगा। तो उस बजट में देखना होगा कि क्या क्या कुछ आता है और किस तरीके किन समीकरणों से सरकार लोगों को साधने की कोशिश करती है। हालांकि माना जा रहा है कि सामाजिक समीकरण साधने के लिए सरकार जाति समाज पर केंद्रित कुछ योजनाओं का भी ऐलान कर सकती है। वही बजट में किसानों की खेती का लागत कम करने के लिए कई घोषणाएं संभव है और माना जा रहा है कि 2 लाख किसानों के ट्यूबवेल के सौर ऊर्जा का ऊर्जीकरण का ऐलान हो सकता है। तो इस बजट में काफी कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसमें किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो और उद्यमियों के लिए खास तौर से बजट पेश किया जा सकता है। और जिस तरीके से अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें डिफेंस कॉरिडोर की जो योजना बनाई गई थी उन योजनाओं को अमली जमा पहनाते हुए और उन जो एक्सप्रेस वे बनने हैं उनको विस्तार देने के लिए इस बजट में काफी कुछ आ सकता है। क्योंकि सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो सके ताकि जो डिफेंस कॉरिडोर की योजना है उसको जल्दी से जल्दी अमली जमा पहना जा सके। और उसमें किसानों को फ्री बिजली देने संबंधी भी कोई योजना की जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ इस पर आपके पास जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी सरकार की तरफ से ये तय नहीं है कि किसानों को फ्री बिजली दी जा सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि जब बजट खोला जाएगा तो उसमें करीब 200 यूनिट तक किसानों को फ्री बिजली देने की योजना लाई जा सकती है। लेकिन ये इसके लिए अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सामने, लेकिन संभावनाएं और संकेत इससे दिए गए हैं कि किसानों के लिए काफी कुछ आ सकता है बिजली को लेकर। और उसके लिए ऊर्जा मंत्री ने भी पिछले दिनों एक समीक्षा बैठक भी की थी ऊर्जा विभाग में और जितने भी अधिकारी थे उनको निर्देश दिए थे कि क्या कुछ किसानों के लिए हो सकता है बिजली को लेकर, उसके लिए एक औपचारिक प्रस्ताव बनाया जाए, उस प्रस्ताव को देखते हुए उसको लाया जाए ताकि उसके लिए बजट ज्यादा से ज्यादा पास कराया जा सके। तो आज जब बजट खुलेगा तब ये देखना होगा कि किसानों के लिए क्या क्या कुछ सरकार लेकर आती है, बिजली के लिए जो संभावनाएं जताई जा रही थी सरकार की ओर से उसमें कितना बल मिलता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिश। तो बता दें आपको 12:30 बजट पेश किया जाएगा जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास फोकस रहेगा। सौगातों का पिटारा योगी सरकार की ओर से आज खोला जाएगा। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय प्रवास पर लखनऊ आएंगे। रक्षा मंत्री सुबह करीब 11:30 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से राजनाथ सिंह अपने दिलकुशा आवास जाएंगे जहां पर दोपहर 12:00 HAL अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 2:00 एकल अभियान के अंतर्गत परिवर्तन कुंभ में शामिल होने के लिए कानपुर रोड स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे जहां परिवर्तन कुंभ के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ आएंगे जहां पर वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले HAL के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसके बाद सीधे राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय जाएंगे जहां पर राजनाथ सिंह परिवर्तन कुंभ का समापन करेंगे और वहां पर सम्मिलित होंगे। हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। नीरज, राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है पूरा जानना चाहेंगे आपसे? जी दुर्गा जी, हम आपको बताना चाहेंगे आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लगभग 11:30 आएंगे। यहां से वो सीधे दिलकुशा जाएंगे जहां पर एक बैठक करेंगे। उसके बाद 2:00 एकल स्वराज अभियान का आज तीसरा दिन है जिसके समापन पर वो वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। फिर उसके बाद वहां से वो सीधे एयरपोर्ट 4:00 दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आज ताज नगरी आगरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगरा की यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप 24 फरवरी को ताजमहल का दौरा कर सकते हैं। वे शहर में 2 घंटे ठहरेंगे। सीएम योगी खेरिया एयरबेस से ताजमहल तक मार्ग का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। राज्य के मेहमानों की यात्रा की तैयारियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे तौर पर निगरानी रखी जा रही है। और आगरा से हमारे सहयोगी नागेंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, सीएम योगी आगरा आ रहे हैं प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के जायजा लेने, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है जानना चाहेंगे आपसे?
दुर्गेश मैं बताना चाहूंगा 24 तारीख को जो ट्रंप अपनी वाइफ के साथ ताजमहल का दीदार करने के लिए आ रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक के लिए योगी जी आज आ रहे हैं। नागेंद्र, कितने बजे सीएम योगी आएंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं सीएम योगी के दौरे को देखते हुए? सीएम योगी के दौरे को देखते हुए पूरा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। उस सुरक्षा कवच का जायजा लेंगे योगी जी कि ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था को चूक न हो जाए। और सब दुकानों को एक ही कलर में रंग दिया गया है, आगरा नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो नागेंद्र, कितने बजे तक सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे और कितनी देर रुकेंगे आगरा में? सीएम योगी का कार्यक्रम खेरिया मोड़ पर 4 बजे आ जाएंगे। 4 बजे के बाद वो जिन पर्यटन स्थलों का वो करेंगे, जायजा लेंगे जहां पर ट्रंप आएंगे। उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे तक सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नागेंद्र। तो बता दें आपको, सीएम योगी आगरा के दौरे पर जाएंगे जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे से पहले वो तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ट्रंप और मेलानिया 24 फरवरी को आगरा में ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 24 फरवरी को अहमदाबाद यात्रा से पहले अहमदाबाद नगर निगम के शनिवार को नमस्ते ट्रंप वाले पोस्टर ट्वीट किए गए। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाशिंगटन से 24 फरवरी को सीधे अहमदाबाद आएंगे। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए मोटेरा स्टेडियम में 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी रहेगी। ये कार्यक्रम गुजरात के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। ट्रंप यहां प्रसिद्ध गांधी आश्रम आएंगे और नरेंद्र मोदी के साथ 22 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोनों नेता मोटेरा में एक नए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और वहां एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस सभा में 1,00,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति 25 फरवरी को यहां देश के शीर्ष कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। रायबरेली के थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि महिला की पहचान सुमैया बानो के रूप में हुई है। महिला बांग्लादेश के ढाका में रहने वाली बताई जा रही है। और आपको बता दें कि युवक इसरार जॉर्डन में काम करता है, वहीं बांग्लादेशी महिला भी उसके साथ हेल्पर का काम करती थी। दोनों प्रेम प्रसंग के चलते विवाह कर लिए और उसके बाद महिला रायबरेली में अपने ससुराल में रहने लगी। लेकिन जब इस बात की खबर पुलिस को पता चली तो पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए बुलाया तो पता चला कि महिला के पति ने फर्जी तरह से महिला के सारे दस्तावेज इंडियन बनवा लिए और पिछले 4 सालों से भारत में रह रही है। एनआरसी और सीएए के चलते दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सर से काम करते हैं, जिस दिन पकड़े थे वहां पर, तो सर वहां से हम भी गए थे, उनके घर पे गए थे, हम भी बांग्लादेश गए थे सर। जब ये गए थे जाने के 1-10 दिन के बाद हम आए थे वहां से, फिर हम भी गए थे बांग्लादेश। हम 15 दिन में वापस आ गए थे, ये 2 महीने के बाद आई सर। फिर वहां से जब पासपोर्ट उसका पकड़ लिए, बोले पूछे से, तो बोले हमारा घर बांग्लादेश है। हम बांग्लादेश गया था तो उधर में कोलकाता में हमको फॉर्म भरना हिंदी आवाज नहीं ना, तो बांग्ला में साइन कर दिया। तो हम लोग बोला आपको पासपोर्ट इंडिया का बांग्ला में साइन कर रहे, तो हम बोला सर जो साथ है वही बताए। हम बोला हम बांग्लादेश का है, हमारे माँ बाप इधर में शादी हुआ है। तो उन लोग बोला जब पासपोर्ट का हमको इधर गए हैं। फिर हम उन लोग को बताया हमारा पासपोर्ट चोरी हो गया है, कोई नियम कानून मालूम नहीं था। फिर इधर का जो हमारे आधार कार्ड था, हमारे अम्मा को उधर का तबियत खराब था खूब ज़्यादा। फिर इधर आधार कार्ड से सर हम पासपोर्ट बनाया था। पासपोर्ट बनाने के बाद फिर हम बांग्लादेश गया। फिर आने का टाइम है हम बिटिया को लेके हम कोलकाता में था, तो उन लोग पासपोर्ट हमें ले लिया। लेने के बाद चाहे कुछ मालूम नहीं था नियम कानून, उन लोग इंक्वायरी भेज रहे तो पुलिस इधर में भेज रहे लखनऊ में अभी सूचना विभाग के पास कि एक महिला है जो अपना जो घर बता रही हैं, पता बता रही हैं, बांग्लादेश का बता रही हैं, लेकिन इंडियन पासपोर्ट को कैरी किए हुए हैं। तो जब हमने इस मामले की गहनता से पड़ताल की तब हमें जानकारी हुई कि एक व्यक्ति हैं रायबरेली के निवासी मोहम्मद इशरार, ये कुरौली के रहने वाले हैं थाना गदागंज के, और इन्होंने सन 2016 में निकाह किया था इस महिला के साथ। गलती इन्होंने ये की कि ना तो इसकी सूचना यहाँ पर औपचारिक माध्यम से दी प्रशासन को और न ही इनका वैलिड इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। इनफैक्ट इन्होंने कूटरचित तरीके से अपने लोकल स्तर पे अभिलेख बनवा के एक इंडियन पासपोर्ट अपने जो इनकी पत्नी थी सुमैया उनका बनवाया,
जो हमारी जांच में एक तरीके से फर्जी पाया गया। सिद्धार्थनगर जिले के थाना क्षेत्र के पास एक स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 15 बच्चों को चोटें आई हैं। हालांकि जिनमें 2 बच्चों की गंभीर रूप से चोट आई है, इनकी हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। मामला लगभग सुबह 8:30 बजे का बताया जा रहा है। शोहरतगढ़ स्थित सरस्वती शिव मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूली बस लेकर आ रही थी, जिसमें लगभग 50 बच्चे सवार थे। सुबह घने कोहरे के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि ग्रामीणों ने बच्चों के चीख पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। साथ ही बच्चों को बस से निकालकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ ले जाया गया, जहाँ बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। हालांकि 2 बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। होली में जो बस दुर्घटना हुई है, उसमें 15 बच्चों हमारे पास आए हैं यहाँ, जिनमें से 2 बच्चों का जो है फ्रैक्चर निकला है, कॉलरबोन फ्रैक्चर है, एक राइट शोल्डर डिसलोकेशन है, बाकी ठीक है सर। और बाकी 13 बच्चे हमारे यहाँ ठीक हैं, स्थिति सामान्य है, थोड़ी सी खरोच आई है, हल्की चोटें आई हैं, बिल्कुल ठीक है। किस बच्चों को रेफर किया गया? हाँ, 2 बच्चे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, आप बने।